नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार नजीबाबाद थाना क्षेत्र में जोगिरामपुरी रोड पर एक कार और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार अनियंत्रित होकर टक्कर लगने के बाद सड़क किनारे खाई में जा गिरी। कार में सवार लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक तनकपुर से नजीबाबाद की ओर आ रहे थे और कार सवार जोगिरामपुरी से नजीबाबाद की ओर जा रहे थे, तभी ओवरटेक के कारण ये हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान राहगीर ने जानकारी देते हुए बताया, अच्छा यह हादसा हुआ कैसे हुआ है? ये आ रहे थे जोगिरामपुरी की तरफ आ रहे थे, बाइक वाले नजीबाबाद आ रहे थे, ओवरटेक के होते हुए एक्सीडेंट। अच्छा, तो ये किस टाइम का मामला है? ये अभी का, ये जट 15-20 मिनट पहले। तो स्विफ्ट डिजायर कहाँ से आ रही थी? जोगिरामपुरी से आ रही थी, मेला चल रहा है यहाँ पर जी, वहाँ से आ रही थी। और जो लड़के थे कनकपुर के बताए जा रहे थे, अच्छा निवासी कनकपुर के, वो नजीबाबाद आ रहे थे। तो बड़ा कनकपुर छोटा कनकपुर का? बड़ा कनकपुर। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।